बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कि ब्रीडिंग सीज़न कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है। तो आज उस पॉइंट पे आपसे थोड़ी बात करूँगा। जैसे आप सबको पता है कि ऐसा ऐसा मौसम चेंज होता जा रहा है, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। दिन के टाइम में हमारे पास गर्मी होती है और शाम के बाद ठंडी हवाएँ स्टार्ट हो जाती हैं। सर्दियों में तो हम अपने शेड को या अपने रूम को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसको एयरटाइट कर देते हैं, और गर्मियों में हम ये करते हैं कि क्रॉस वेंटिलेशन का बहुत ख्याल रखते हैं हम। अभी के दिनों में मैं अपने शेड में एग्जॉस्ट फैन यूज़ करता हूँ ताकि दिन के टाइम में जो गर्मी होती है अंदर हब्स पैदा ना हो जैसे। और काफ़ी बॉक्सेस में अभी मेरे पास किसी पेयर के एग हैं और किसी पेयर के पास अपने बच्चे हैं, तो उनके लिए ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर हमें मेंटेन करना पड़ेगा इस टाइम पे। जैसे कि मैंने इस टाइम पे इस साइड को मैंने ओपन कर दिया है ताकि थोड़ी धूप अंदर आए शेड में, ताकि कोई जरासीम इसमें पैदा ना हो। धूप का आना बहुत ज़रूरी है शेड में। इस टाइम पे इतनी धूप नहीं है इसलिए मैंने इसको ओपन कर दिया है। दूसरी बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ जो कि ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से है कि ब्रीडिंग सीज़न कब स्टार्ट होता है और उसका टाइम पीरियड कितना होता है। ब्रीडिंग सीज़न का टाइम होता है आपकी एवरेज या आपके शेड के माहौल के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, और आपके ह्यूमिडिटी जो आपके शेड में मेंटेन होती है, और ये आपके ऊपर होता है कि आप ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर किस तरह मेंटेन करते हैं। लवबर्ड का जो ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है सितंबर से शुरू होता है। ब्रीडिंग सीज़न का टाइम होता है मार्च के एंड तक का। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आपके एवरेज के ऊपर डिपेंड करता है कि एवरेज में आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी किस तरह मेंटेन करते हैं आप। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके शेड में कितनी गर्मी होती है और आपके बर्ड उस हिसाब से ब्रीड करते हैं। और ये हो सकता है कि जितने भी हमारे ब्रीडर हैं सब उनके पास ये आखिरी क्लच हो। मेरे पास भी जिस पेयर के पास अंडे हैं वो उनका आखिरी क्लच ही होगा, और उसके बाद जो उसमें से चिक्स निकलेंगे और मज़ीद मुझे नहीं लगता कि वो उससे ज़्यादा ब्रीडिंग चल पाए। और ये हो सकता है मेरे पास ये आखिरी क्लच ही हो, और उसके बाद मैं सारे अपने जितने भी बॉक्सेस लगे हैं वो मैं हटा दूंगा और मैं इन सबको 4 से 5 महीने तक का रेस्ट दूंगा। एक बात और, अगर हम किसी लवबर्ड से ब्रीडिंग पूरे साल तक लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अगेन वो डिपेंड करता है हमारे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के लिए किस तरह से हम उसको मेंटेन करते हैं। अगर हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं तो हमारा बर्ड पूरा साल भी ब्रीड कर सकता है, लेकिन वो एक किस्म का जुल्म होता है। इसी वजह से मैं अपने सारे बर्ड्स को 4 से 5 महीने तक की रेस्ट ज़रूरी देता हूँ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के मिड में मैं इनको दोबारा बॉक्स लगा दूँगा, और इन बर्ड्स का तकरीबन रेस्ट का टाइम 5:30 तक हो जाता है। बर्ड को ब्रीडिंग सीज़न एंड होने के बाद रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है आपको तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।